Ella loves her big brother and his toy. I accidentally killed somebody. You think you killed somebody? No, I know I did. I feel so messed up. He's bleeding all over the bed. Because I stabbed her. I did think that by killing Ella, I could have my mother back all to myself. Go ahead, count. One. Two. Three. Four. I did not try to perform CPR. I took the phone and I left him. And I remember counting into the phone. I hate what he did, but I can't hate my son. एक माँ अपने तेरह साल के बेटे द्वारा अपनी छोटी बहन की हत्या करने के बाद के अपने अकल्पनीय अनुभव और तबाही से उबरने के अपने संघर्ष के बारे में बताती है हत्या कर दी गई उसकी युवा बेटी के खोने के बाद एक दुस्वन की तरह जो वो फीलिंग उसको हॉन्ट करती है उसको शेयर करती है इस फीलिंग को एक माँ कभी भी इमेजिन करके कि फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है सोच भी नहीं सकती फॉरगेट अबाउट द पॉइंट कि वो उसको लिव कर रही हो बट वॉट इफ वॉट इफ दिस इंसिडेंट बिकम्स ट्रू एंड इफ हत्यारा कोई नहीं बल्कि उसका खुद का बेटा हो चैरिटी बेनेट इस अनफॉर्चून सिचुएशन में फंसी जब उसके तेरह साल के बेटे पेरिस बेनेट ने अपनी चार बहन चार साल की बहन एला का न सिर्फ मर्डर किया बल्कि मर्डर करने के पहले उसके साथ रेप भी किया चैरिटी अपनी बेटी को खोने पर दुख से गुजरती है जबकि साथ ही यह समझने की कोशिश करती है कि उसके बेटे ने ऐसा भयानक काम क्यों किया होगा और कैसे वो उन संकेतों को इग्नोर कर देती है जहां से ये पता चलता है कि उसका बेटा एक मानसिक रोगी है अपने दुख के साथ बह मुश्किल खुद को संभालते हुए ये औरत ये महिला आज भी एक माँ है और अपने बेटे को जेल में रहने के दौरान उचित उपचार यानी कि उसका मेंटल ट्रीटमेंट प्राप्त करने के बकावल करने की आवश्यकता महसूस करती है और उसके लिए काम भी कर रही है साथ ही साथ शी इज मेकिंग श्योर कि हर सन नेवर कम्स आउट वो जेल में रहे ताकि वो किसी को भी चोट ना पहुंचा सके उसने जो भी किया है उसने जो भी किया है उसके बावजूद वो आज भी अपने बेटे से प्यार करती है और उससे संबंध रखना चाहती है टू सच एन एक्सटेंट कि बड़े बेटे के जेल के जाने के कुछ सालों बाद वो एक और बेटे को जन्म देती है जिसका नाम है फिनिक्स और आज भी वो उसको और बड़े बेटे को जो कि जेल में है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की परमिशन देती है एक्सपर्ट से दट पेरिस पेनेट कैनॉट बी रिहेबिलिटेटेड उसको सोसाइटी में वापस नहीं शामिल किया जा सकता और उसको हमेशा के लिए बाहरी दुनिया से दूर रखा जाना चाहिए सरल शब्दों में, एक हत्यारे पिता की बेटी है एक बरी हुई माँ की बेटी है एक हत्या की गई बेटी की माँ है और एक हत्यारे की भी माँ है सच इज द फैमिली ट्रेजिडी लेकिन वास्तव में क्या हुआ उसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे एंड वी आर गोइंग टू रिविजिट 2007। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस नए चैनल में जिसका नाम है क्राइम कहानियां जहां पे हम ट्रू क्राइम्स के बारे में बात करेंगे अनसोल्व मर्डर मिस्ट्री मिस्टीरियस केसेस मिस्टीरियस इंसिडेंट्स हफ्ते में सिर्फ एक बार सच के साथ अपने आप को अवगत कराने की कोशिश करेंगे पेरिस बेनेट एक मनोरोगी और एक ने बेरहमी से अपने चार साल की बहन एला बेनेट की जान ली जब वो सिर्फ और सिर्फ तीन साल की थी और वो तेरह साल का था हाउ डिड ही डू इट ही स्टैब्ड हर सेवनटीन टाइम्स सत्रह बार लेकिन मार्मिक दृष्टि से ये केस को सिर्फ आप सत्रह बार स्टैबिंग हुई उसको नहीं अटैच कर सकते बल्कि उसके पहले और उसके बाद जो हुआ उसको भी जानना बहुत जरूरी है और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये मानसिक रोगी किस हद तक मेंटली इल था और किस हद तक एक जीनियस था क्योंकि अपेरेंटली हिज आईक्यू लेवल वाज मेजर एट हंड्रेड वन जो कि जीनियस की कैटेगरी में आता है इस हॉरिफिक मर्डर के लिए इस हॉरिफिक रेप के लिए वो पूरी तरीके से जिम्मेदारी स्वीकार करता है और जैसे कि मैंने बताया विशेषज्ञों का ये कहना है कि उसका रिहेबिलिटेशन यानी कि सोसाइटी के साथ उसका संबंध जो है दोबारा नहीं बैठाया जा सकता बट दे इज अ ट्विस्ट अपने शुरुआती कबूलनामे के दौरान पेरिस ने खुलासा किया था कि उसने अपनी माँ चैरिटी के खिलाफ जो नाराजगी थी उसकी उसके लिए उसको दंडित करने के साधन के रूप में हत्या करी थी वो जानता था कि उसकी उसकी बहन की मौत के बाद उसकी माँ को बहुत ज्यादा इमोशनल और यह ध्यान रखने वाली बात है कि इस दुखद घटना से पहले चैरिटी ने बारह वर्षों तक अपने आप को सोबर रखा था बिकॉज अपेरेंटली शी वॉज अ ड्रग अब्यूजर पर बारह साल बारह साल क्लीन रहने के बाद शी फाइनली रिलैक्सेस और जब वो रिलैक्स करती है तो उसके बाद उसकी बेटी की नाराजगी जो है सामने आने साबित होती है एंड हिज रिजेंटमेंट टूवर्ड्स कीप्स इंक्रीजिंग डे आफ्टर डे ईयर आफ्टर ईयर एंड स्लोली एंड स्लोली ही हर मोर एंड मोर उस भयावह रात के बाद से चार्ली अपनी दिवंगत बेटी के साथ तितलियों को जोड़ती है वो इसलिए क्योंकि एला की अंतिम स्कूल पेंटिंग का जो विषय था वो था बटरफ्लाइज 2012 में चार्ली बेनेट जिसको चार्ली ली के नाम से भी जाना जाता है सोसाइटी में उसने फिनिक्स नाम के एक बच्चे को जन्म दिया ये पेरिस और उसके छोटे भाई के बीच की संचार की अनुमति दी जाती है और फिनिक्स को बिना शर्त प्यार और क्षमा के बारे में सिखाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता यानी अपना कमिटमेंट दिखाने के लिए उसकी माँ अलाव करती है कि एक हत्यारा उसके छोटे बेटे के साथ बात कर सके जैसे कि मैंने बोला स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है उस रात से जिस रात ये मर्डर हुआ अब जानिए कि मर्डर की रात हुआ क्या था 5 फरवरी 2007 5 फरवरी 2007 को लगभग साढ़े बारह बजे जब चैरिटी ली बफेलो वाइल्ड विंग्स में काम कर रही थी उनकी नौकरी के दौरान उनके पास कुछ पुलिस वाले पहुंचते हैं और उनको कहते हैं कि आपकी बेटी को कुछ नुकसान पहुंचाया गया है अपनी बेटी को देखने के लिए बेताब उसने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करी कि क्या मैं उससे मिल सकती हूं कृपया करके मुझे उसके पास ले जाइए पर दिस वो मर चुकी है हर नेक्स्ट क्वेश्चन फेयरिंग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ हर सन पेरिस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो उसके बारे में पूछती है इज माई सन सेफ क्या वो सेफ है टू विश दे रिप्लाई वी पर जाने से पहले चैरिटी ने एला और पेरिस की देखभाल के लिए एक मेड की एक बेबी सिटर की व्यवस्था करी थी हालांकि पेरिस जिसके पास जैसे मैंने बताया एक सौ इकतालीस का जीनियस स्तर का आईक्यू था उसका उद्देश्य उसका टारगेट कुछ और था उसने बेबी सिटर को रात को दस बजे घर छोड़ने के लिए मना लिया और स्थिति का लाभ उठाते हुए पेरिस उस समय तेरह साल की आयु में अपनी चार वर्षीय बहन के रूम में घुस गया जिसकी फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हो शी इज द किड शी इज द किड चार वर्षीय बहन के रूम में घुसने के बाद उसने सत उसका गला घोटना शुरू किया उसके साथ रेप किया मार काट करी और रेप करने के बाद उसके शरीर में छुरा घोपना शुरू किया सत्रह बार और बाद में उसने 911 पर कॉल किया पर 911 पर कॉल करने के पहले छह मिनट के लिए स्कूल के एक दोस्त के साथ बातचीत करी व्हाट डिड यू सेय टू 911 कॉल हैव अलिसन आई कैसे वे किल्ड सम्बडी यू थिंक यू किल्ड सम्बडी नो आई नो आ I I feel so messed up. Is Is she she right now? No. bleeding bleeding anywhere? Yes, she's bleeding all over the bed. Because I stabbed her. It's because I stabbed her. अपनी बहन को मर्डर करने के बाद वो पुलिस को फोन करता है लेकिन छह मिनट के बाद जब सामने से ऑपरेटर से पूछता है परेशान था और फ्रस्ट्रेटेड था जो कि उसने उस कॉल के ऊपर भी बताया जो मैं आपको अभी आगे दूसरे वीडियो में सुनाऊंगा ऑपरेटर ने उसको सीपीआर देने के लिए कहा कि कोड ट्राई एंड हेल्प हर ट्राई टू रिवाइव हर एंड इज 17 times there was a goal here. What was the goal? The goal was to kill her and why his answer may be the most disturbing declaration of sibling rivalry imaginable I did think that By killing Ella I could have my mother back all to myself So basically CPR, which you in the introduction video where he was 1 2 थ्री फोर का काउंट चल रहा था सी वो नहीं दे रहा था वो सिर्फ फोन की तरफ अपना मुंह करके ऑपरेटर को ये जताने की कोशिश कर रहा था कि मैं सी दे रहा हूँ पर इस इंसान ने कोई सी नहीं दिया क्योंकि इसका मकसद सीधा सिंपल सा था अपनी बहन से नाराज इमोशनली हॉन्टेड ये लड़का जो है अपनी माँ को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए चाहता था बट जब उसको ये दिखाई दिया कि वो नहीं हो रहा था दैट्स वन ही टुक द कॉल कि वो अपनी बहन को मार देगा और अपनी बहन को मारने के बाद जब वो जेल जाएगा और उसकी माँ के दोनों बच्चे उसकी जिंदगी से छीन लिए जाएंगे तो असली पनिशमेंट इसकी माँ की तरफ जो कि इसके द्वारा प्रोवाइड किया होगा उसका ये मजा लेगा हाउ नाउ बटरफ्लाई नाम की एक बुक है अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे जहां पे जो इसकी माँ ने लिखी है जिन्होंने खुलासा किया है कि अपनी बहन की हत्या करने से पहले मर्डर करने के पहले पेरिस बेनेट इंटरनेट पे जाके एसेडम देखते हुए पोर्नोग्राफी में डूबा हुआ खुद को उस फीलिंग्स से ग्रस्त करता हुआ उसके बाद वो अपनी बहन के रूम में घुसता है जो की सिर्फ और सिर्फ चार साल की थी उसका रेप करता है गला दबाता है मारपीट करता है सत्रह बार छुरा भैसिनेशन जो कि एक्सट्रीम और डिप्रेव कॉन्टेंट को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइट हो जाता है एंड इट शोज क्लियरली कि दिस गाय वॉज मेंटली सिक ना लेट्स लुक एट द फैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर केस एंड लेट्स लुक एट द बुक जो लॉन्च करी गई अगर आप कभी भी इसको पढ़ना चाहो तो ये बुक रिवील करती है कि जो स्टैब्स मारे गए थे लड़की के शरीर के ऊपर वो डेलिबरेट थे वो स्लो थे मेथोडिकल थे और डिवाइडेड थे किसी भी फ्रेंजीड या अनकंट्रोलेबल रेज के साथ यानी कि पूरा का, पूरा का पूरा कंट्रोल था यानी कि पूरा का पूरा होशोहवास में इस इंसान ने उस छोटी सी बच्चे का कत्ल किया रेप करने के बाद हालांकि जो Wounds थे जो घाव थे वो सारे के सारे ज्यादा डीप नहीं थे ज्यादातर जो थे वो शैलो थे जहां पे जैब्स और वुन्स होते हैं यानी कि आपने चाकू मारा और निकाला चाकू मारा और निकाला आपने ज्यादा अंदर पेनिट्रेट नहीं किया वो इंडिकेट करता है एक सेडिस्टिक अप्रोच एक कैलकुलेटेड अप्रोच जहां पे आप अपने विक्टिम को मारने के पहले टॉर्चर करना चाहते हो और ये देखना चाहते हो कि उसके खून को देख के आपको कितना मजा आता है जब यह केस शुरू हुआ तो इसके स्टार्टिंग में पेरिस ने यह दावा किया था कि उसने अपनी मां को एक हेलुसिनेशन के कारण मारा था मां को मारने का जो ये सपना था उसका उस हेलुसिनेशन को एक ड्रीम में पूरा करता है जब उसकी बहन सामने आती है और वो कहता है कि उसने एक और ड्रीम देखा एक और हेलुसिनेशन देखा जहां पे उसकी बहन जो है एक पंपकिन हेड रूप यानी उसका जो सर था वो पंपकिन के रूप में था वो डेविल की तरह दिख रहा था और वो राक्षस की तरह दिखने की वजह से वो उससे परेशान हो गया और उसने उसको मार दिया हालांकि बाद में उसने ये एक्सेप्ट किया कि उसने अपनी छोटी बहन पर हमले की जो योजना थी वो प्रॉपर तरीके से तैयार करी थी न केवल उसको मारने का इरादा प्रकट किया बल्कि अपनी माँ की हत्या करने का भी इरादा बताया कि आफ्टर ही हैड किल्ड द सिस्टर उसका मकसद था कि वो अपनी माँ को मारेगा अब ही वॉन्टेड टू मेक

सुनिश्चित किया और ये मेक श्योर sure किया दैट व्हाट ही कुड नॉट हैव उसकी छोटी बहन को भी ना मिले ये परेशान करने वाला जो रेवोल्यूशन है पेरिस के द्वेष की गहराई और अकल्पनीय पीड़ा को दर्शाता है जिसको वो अपने परिवार पर ही थोपना चाहता था एंड दैट इज वेयर द ह्यूमैनिटी गोज फॉर अ टॉस अब आप बोलोगे कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसने हेलुसिनेशन में या फिर किसी सपने के ड्रीम में आके या फिर किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित होके ये सब कुछ किया एंड मे बी द हेल्प दैट ही वॉज गेटिंग इन द प्रिजन जो उसकी माँ कोशिश कर रही थी दिलवाने की उसके बाद वो थोड़ा ठीक हुआ होगा एंड मे बी जस्ट मे बी जस्ट मे बी प्रिजन में जाने के बाद उसके इरादे चेंज हुए होंगे उसको गिल्ट फील हुआ होगा और वो चेंज होने की कोशिश कर रहा होगा बट एवरीथिंग जेल में रहने के दौरान पेरिस ने अपनी माँ को दर्द देना जारी रखा और कहा कि वैसे मुझे तुम्हारा दर्द देखने में बहुत मजा आता है उसकी माँ यह स्वीकार करती है कि उसका बेटा एक राक्षस है और उसकी वजह से उसने अपनी

Two, three, four. Listen to this admission. No, I did not try to perform CPR. I took the phone and I left the room, and I remember counting into the phone to make the operator think that I was doing CPR. Now there is a journal. There is a journal which she, the mother, vividly. अपनेट he जो है कुछ से इंसान जेल के अंदर बैठा है उसकी मारने की मानसिकता मर्डर करने की मानसिकता जो है वो अभी भी सॉल्व नहीं हो पा रही है इन 2017, 2017 के अंदर एक इंटरव्यू दिया एक इस इंसान ने जेल से और इस इंटरव्यू के दौरान ही एक्सेप्टेड द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्राइम देर वॉज नो शाइंग अवे एनीमोर देर वॉज नो मनीपुलेशन देर नो एक्सक्यूजेस ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी

इसके जो वर्ड्स वाइल्ड अकाउंटेबिलिटी वो एक चिलिंग रिमाइंडर देते हैं प्री डिस्पोजिशन टू वट में आपने बहुत बार देखा होगा जहां पे लोग कहते हैं मैं पागल नहीं हूं मैं पागल नहीं हूं बट दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ अस्टर सेन मैं पागल नहीं हूँ यूके के एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं जो पॉडकास्ट करते हैं इंटरव्यूज करते हैं आप लोगों ने उसके वीडियोस भी देखे होंगे जिसका नाम है पियर्स मॉर्गन उनके साथ एक इंटरव्यू होता है पियर्स मॉर्गन के साथ इंटरव्यू के दौरान ये अपनी माँ को निशाना बनाने और अपनी चार साल की बहन की हत्या करने के कुछ भयानक फैक्ट्स जो हैं वो सामने रखता है एंड लेट मी कोट हिम वन मोर टाइम फॉर मेनी ईयर्स For many years there was this hot flaming ball of wrath in the pit of my stomach directed at my mother his intention was to inflict the worst possible pain on her knowing that the toss that the loss of one of her children would devastate her deeply in a chilling twist paris found a way to take away both her children and one fell swoop paris ne apne apradh ki rakshas se prakriti ko kiya, lekin usse apne pure jivan ko ये इंसान ऐसा जीनियस है उसने ये व्यक्त किया कि हाँ मैंने एक राक्षसी अपराध किया है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी एक गलती से मेरे पूरे जीवन को परिभाषित किया जाना चाहिए मेरी एक गलती से मेरी पूरी जिंदगी को डिफाइन नहीं किया जाना चाहिए तेरह साल की उम्र में मर्डर करने वाला ये इंसान दो में पैरोल के लिए एलिजिबल होगा

पेनिटेंट्री के अंतर जेल में है 40 साल की सजा काट रहा है ये इंसान जैसे कि मैंने बताया 2027 में परोल के लिए योग्य होने की उम्मीद है उसके सामने वाले आने वाले खतरे को देखते हुए विशेषज्ञो ने इसकी मां को ऑलरेडी वार्न कर दिया है कि इफ ही कम्स आउट यू नीड टू मूव यू नीड टू हाइड बिकॉज़ जो इंसान अपनी बहन को मार के बिना रीमोट्स दिखाए अंदर रह चुका है वो आपको मारने जरूर आएगा और शायद आपको ना मारे पर आपके बेटे के ऊपर अटैक जरूर करेगा उसके क्योंकि उसका जो अनफुलफिल्ड ड्रीम है, हैविंग द मदर ऑल टू खत्म नहीं हुआ है क्योंकि उसके स्पर्धा में यानी कि कंपटीशन में पहले एक छोटी बच्ची थी और अब एक छोटा बच्चा है जो कि करीबन करीबन सोलह सत्रह साल का हो चुका है एंड इफ दैट स्टिल अलाइव द मदर नॉट बी कंप्लीटली बट बट फिर फिर भी, फिर भी इसकी मां जो है, इसको उस छोटे से बच्चे फिनिक्स के साथ बात करने की परमिशन देती है इसकी लीगल प्रोसीडिंग्स बड़ी सिंपल थी केस की पेरिस बेनेट का केस जो है इनवॉल्व कर, करता है काफी ज्यादा प्रोसीडिंग्स फॉलोइंग द मर्डर ऑफ द यंग गर्ल गुं।

इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू अ फुल ट्रायल पेरिस पेनेट एक गिल्टी प्ली एंटर करता है 2009 में एडमिट करता है मर्डर मर्डरिंग टू हिज सिस्टर और उस प्ली अग्रीमेंट के हिसाब से ही रिसीव्ड अ सेंटेंस ऑफ 40 इयर्स इन प्रिजन मेकिंग हिम एलिजिबल फॉर पैरोल इन 2027 जैसे कि मैंने आपको बताया अब जैसा कि यह पेरिस द्वारा दिया गया अतुलनीय अपराध विचार करने योग्य है कि सोसाइटी में किस किस तरीके के लोग रहते हैं इसकी मां ने भी उन कारकों के बारे में जान, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी जो उसके बेटे को इस तरीके के रास्ते पर लेके गए वो पहचानती है कि उसके खुद के पिछले नशीली दवाओं के उपयोग ने एक अहम भूमिका निभाई थी क्योंकि उसने छह महीने की अवधि के लिए for, for the, relapsed, और उस ये लड़का ग्यारह साल का था छह महीने के दौरान इस लड़के ने अपनी बहन का ख्याल रखा था एक माँ और एक बाप की तरह Now, किस तरीके से कुंठित होकर बाद में अपनी माँ को अपने पास रखने के लिए उसने अपनी बहन का मर्डर किया वी विल नेवर आंसर अत्याधिक भावनाओं के सामने ये माँ अपने बेटे को क्षमा करने और इसे स्वीकार करने के लिए एक विकल्प बनाती है कि कौन है वो स्वीकार करती है कि पेरिस एक मनोरोगी है मानसिक संतुलन उसका खराब है और अकथनीय कृत्यों के लिए अपनी क्षमता को स्वीकार करते हुए टिप्पणी करती है कि मेरा बेटा एक मानसिक रोगी है मैं उसकी मदद नहीं कर पाई लंबे समय से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसके लाइफ में वो चेंजेस ला पाऊं टेक्सस पेनीटेंट्री में कि वो ठीक हो सके बट मैं ये भी नहीं चाहती कि वो बाहर आए पेरिस की स्थिति के बारे में चैरिटी को समझ कर सोचकर अपने बेटे के बारे में ध्यान रखकर ये डिसीजन लेना चाहिए कि जो एनवायरनमेंट उसको मिल रहा है और जो एनवायरनमेंट दैट ही एनकाउंटरिंग इन द प्रिजन राइट नाउ ही विल नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू क्लेम अनदर विक्टिम बिकॉज ही इज इनसाइड जो कंसर्न्स हैं इस इंसान की प्रकृति को लेकर जो कंसर्न है इस इंसान के रेज को लेकर जो इंसान इतना ज्यादा पॉजिटिव है अपनी माँ को लेकर जस्ट इमेजिन इफ ही फॉल्स इन लव विद अ गर्ल और अ बॉय फॉर दैट मैटर व्हाट व्हाट कुड ही बी केपेबल ऑफ मुझे नहीं पता कि इस इंसान को परोल मिलना चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता ये इंसान मानसिक रोगी है या नहीं मुझे नहीं पता ये इंसान कभी बाहर निकलेगा कि नहीं द ओनली थिंग दैट आई नो फॉर श्योर इज ह्यूमैनिटी इज एट द कस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन

वो जेल के अंदर रहें जेल के बाहर ना आने पाए बिकॉज देर कुड भी अनदर फोर इयर रोल गर्ल और देर कुड भी अनादर गर्ल और अनदर बॉय देट ही इज गोइंग टू एंड अप केल एंड एंड अकाउंटेबिलिटी इज नॉट गोइंग टू लाई ऑन हेम बट ऑन द मदर हु थिंग्स ही कैन चेंज और ऐसे ही केसेस के बारे में बात करके वी विल ट्राई टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज आई डोंट नो चेंज इज गोइंग टू हैपन नॉट बट थिंक दैट आई 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 एम 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 यू राइट नाउ ऑन दिस चैनल इज गोइंग टू टू गो एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द इंटरनेट एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू कॉन्टेंट रिलेटेड टू ट्रू क्राइम स्टोरीज द डॉक्यूमेंट्रीज एंड द अनरिजॉल्व मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जो ये आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे क्या ऐसी भी क्राइम कहानियां होती हैं विद दैट प्रोम आई एम गोइंग टू रैप अप दिस वीडियो गो एट लाइक द चैनल सब्सक्राइब द चैनल वीडियो को शेयर करो कॉमेंट करो और अपना प्यार दिखाते रहना आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट वीक प्रोड्यूस यू नॉट नेसेसरली ऑन अ सैटरडे बट समाइम नेक्स्ट वीक टू टॉक अबाउट वन मोर क्राइम की कहानी चैनल चाहे कोई सा भी हो जय श्री राम